हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ अपने चैनल रेनू ब्यूटी पार्लर में। आज मैं देखिए इनके बालों में फ्रंट से पफ आप किस तरीके से, किस आसानी से आप फ्रंट में पफ बना सकते हैं। मैंने तीन तरीके के पफ बताए हैं, कई तरीके से पफ बनते हैं। मैंने ये तीन तरीके से बहुत ही आसान पफ बताए हैं। इस तरीके से हमने फ्रंट के थोड़े से बाल ले लिए हैं और बालों को लेकर के अच्छी तरीके से कॉम करेंगे। और कॉम करने के बाद हम बालों में इस तरीके से कॉम करके इसको हल्का सा फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद हम इसको इस तरीके से, जितना भी आपको हाई पफ बनाना है उतना बना सकते हैं। इस तरीके से हम इसमें, ये देखिए, साइड पिन से टक कर देंगे। दोनों साइड से हमें पिनों से टक करना है। और आप जितना भी ऊंचा पफ बनाना चाहते हैं इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। ये हमने फ्रंट से सिंपल पफ बनाया है, हमने इसमें स्प्रे भी नहीं किया है और ना स्टफिंग लगाई है, सिंपल पफ बनाया है। पफ बनाने के बाद आप बालों में स्ट्रेट भी कर सकते हैं बैक से, या इसको कर्ल भी कर सकते हैं। ये हम इसमें हल्का सा, ये हमने दोनों साइड से थोड़े थोड़े हेयर्स ले लिए हैं और इनको हम इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे बालों को। इस तरीके से हम धीरे धीरे करके फोल्ड करेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम फोल्ड करेंगे और फिंगर से हम एक बालों में अच्छा बाउंस देंगे। इससे इसमें बाउंसी लुक भी आएगा और अच्छा भी लगता है। आगे से पफ और पीछे से हम इस तरीके से इसमें रबड़ लगा देंगे। रबड़ लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से अंदर डालकर, इस तरीके से बालों के अंदर डालकर, और हम इस तरीके से लूज भी छोड़ सकते हैं हेयर्स को। आप नीचे से इसमें प्रेसिंग या कर्ल भी करवा सकते हैं। और इसी तरीके से अब हम दूसरा पफ बनाएंगे। ये हमने देखिए पफ बनाया है। इसी तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से पफ बनाएंगे। इसमें हम देखिए इस तरीके से टेल कॉम से हम फ्रंट में बाल लाकर, और इसमें हम बैक कॉम कर रहे हैं। बैक कॉम की मदद से हम पफ बना रहे हैं। इस तरीके से थोड़े बाल लेकर बैक कॉम करेंगे, बिल्कुल सीधे हेयर्स लाने हैं फ्रंट की तरफ, और हम बैक कॉम करके अब हम इसको बालों को सेट करेंगे। बालों को सेट करने के बाद अब हम इसमें भी, हमने स्टफिंग या कोई पफ वगैरह नहीं लगाया है। ये देखिए, इसको भी आप जितना हाई करना चाहते हैं उसको हाई कर सकते हैं। इसमें भी हम दोनों पिने सेट करेंगे, दो तीन पिनों से सेट कर देंगे। ये देखिए हमारा पफ रेडी है। इसी तरीके से हम एक और पफ बनाएंगे। ये हम इस तरीके से बाज़ार से स्टफिंग वगैरह आ जाती हैं, गोल भी लंबी भी, इस तरीके से आप स्टफिंग लगाकर इसके अंदर, ये हमने पफ लगा लिया है। और पफ लगाकर हम इस तरीके से बालों को हल्का सा फोल्ड करते हुए, इसको भी हम जितना आप हाई बनाना चाहते हैं इस तरीके से पफ बना सकते हैं। ऐसे और काफ़ी सारे पफ आसानी तरीके से बन जाते हैं। अभी मैंने तीन पफ बताए हैं, इसी तरीके से और पफ बताऊंगी आपको अगर ये वीडियो पसंद आए। ये देखिए इस तरीके से इनका पफ बन गया है, जितना भी हाई पफ देना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।